अफसोस लगता है कि बिहार में स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो पिछले 17 वर्ष से इस कुर्सी पर बैठे हुए, उनका ध्यान स्पोर्ट्स शॉटगन खासतौर से निशानबाजी की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुआ है। चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, स्वामी विवेकानंद का जयंती 12 जनवरी को मनाया जाएगा और ऐसे में आज बात करें बीजेपी की विधायिका सरेशी सिंह बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता रखते हैं और प्रेस वार्ता में खेल से संबंधित बातों को ध्यान देते हुए पत्रकारों से बात करते हैं कि खेल को लेकर जिस प्रकार से बिहार के सरकार हैं तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मतलब मेडल लाओ नौकरी पाओ, इन तमाम मुद्दों पर बात करते हुए पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सरेशी सिंह। बिहार प्रदेश को एक कार्य सौंपा है और हम तमाम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश के सभी भाई बहन एकजुट होकर संकल्पित होकर ये जो नीतीश और तेजस्वी की सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने गुहार लगाई है बिहार के सभी युवाओं से, युवतियों से, कि वह 12 जनवरी को हमारे साथ आके जो युवा दिवस यानी कि विवेकानंद जयंती जी के रूप में बनाया जाता है वो हमारे साथ आए और ये प्रण लें कि आने वाले 2024 और 2025 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे देश में और प्रदेश में। साथियों, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में युवाओं के हित की योजनाएं एक से बढ़ के एक आगे आ रही हैं, चाहे हम टॉप्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, तो आज कहीं ना कहीं जो एक लाइन हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते थे कि ये नया भारत युवाओं का भारत है, उसको कहीं ना कहीं सत्यापित करके दिखाया है। जहां एक तरफ अगर हम प्री मोदी एरा की बात करते हैं तो मात्र 350 स्टार्टअप्स थे, आज वही स्टार्टअप और उनमें से कितने स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बन चुके हैं और इंडिया में हैं। आज 1 लाख से भी ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स भारत में स्थित हैं। अगर हम खेल की बात करें तो स्पोर्ट्स में जब ओलंपिक में 1 पदक 2 पदक 3 पदक आता था तो आज 2014 में जो स्पोर्ट्स के साथ जो नई नई नीतियाँ आई हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, डॉप्स की स्कीम आई है, उसके साथ खेल आगे बढ़ा है, खिलाड़ियों का जो पदक की संख्या है वो आगे बढ़ी है। हाल ही में एशियन गेम्स में हम सभी लोगों ने देखा किस तरह से भारत के खिलाड़ियों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा पदक अपने हिस्से किए। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि बिहार का एक भी खिलाड़ी उस एशियन गेम्स में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। यदि वो बिहार से था भी तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार से नहीं खेलता है। आज एक खिलाड़ी होने के नाते बहुत अफसोस लगता है कि बिहार में स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मजाक उड़ाया जा रहा है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खोला नहीं जा रहा है और जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। साथियों, साथ ही साथ अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, युवतियों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दोबारा उसी जंगल राज की ओर जा रहे हैं जब शाम रात को हम असुरक्षित महसूस करके घर से बाहर नहीं निकलते थे, लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ा हुआ है। क्योंकि एक सोच होती है जो आगे लगी जा सकती है। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलकर आई हूँ और ये मेरा मानना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो पिछले 17 वर्ष से इस कुर्सी पर बैठे हुए, उनका ध्यान स्पोर्ट्स शॉटगन खासतौर से निशानबाजी की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुआ है। यदि कोई भी स्पोर्ट्स का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है तो देखिए, कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वहां से पैसा आएगा। सिंपल सी बात है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वहां प्रतिभाओं को खेलने का मौका मिलेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके बिहार का नाम रोशन कर पाएंगे। लेकिन इस सोच को समझने के लिए मुख्यमंत्री जी को स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फंड्स डाइवर्ट करने पड़ेंगे। आफ्टर ऑल पिछले जितने भी वर्षों की हम बात कर रहे हैं, वित्त और होम यानी कि फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री दोनों ही मुख्यमंत्री जी के पास रही है और मुझे लगता है कि आज यही कारण है कि तेजस्वी यादव जबकि मुख्यमंत्री बनकर भी बैठे हैं लेकिन स्पोर्ट्स के या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ।
तो आपने सुना श्रेयसी सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जो जयंती है उसको बीजेपी जो है युवा महोत्सव के रूप में मनाएगी और पटना के मिलर हाई स्कूल में मनाएगी। वहीं बात करें खेल से संबंधित बातों को भी श्रेयसी सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, तेजस्वी जी बताए ना कि एशियन गेम्स जो हुआ था उसमें 140 के करीबन मेडल लाई थी, लेकिन उसमें बिहार के जो है एक भी खिलाड़ी नहीं थी। अगर जो बिहार के एक भी खिलाड़ी थे तो दूसरे राज्यों का सहारा लिए, दूसरे राज्यों के थ्रू गए और वहां से मेडल लाए। कहीं ना कहीं बिहार में जो खेल की स्थिति है इस पे सवाल उठती है और तेजस्वी यादव को इसका जवाब देना चाहिए कि जिस प्रकार से बिहार में खेल की स्थिति है उसमें सुधार लाना चाहिए। और 12 जनवरी को लेकर यानी स्वामी विवेकानंद के जयंती के दिन युवा महोत्सव का कार्यक्रम रखा जा रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि 12 जनवरी का ये जो कार्यक्रम है इसमें क्या रिजल्ट निकलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।